ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं, यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित कर दें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपाय के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़े आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है, मैं आपको उसमें से कुछ उपाय बता देता हूं कि शिव को कैसे खुश किया जा सकता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों को बांट देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाए। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। अभिषेक पुराण के अनुसार मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से फूल चढ़ाने से भगवान शिव को क्या क्या फायदे होते हैं। लाल और सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर एवं सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजा करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल ठंडल वाला धतूरा शिव पूजन में बहुत शुभ माना जाता है। दुर्वा से भगवान शिव की पूजा करने पर आयु बढ़ती है। अब मैं कुछ और भी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे भगवान शिव बड़े खुश होते हैं। सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी हो तो श्रावण में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें तथा गुगल का धूप दें। यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा।
फिर श्रावण में आप गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। श्रावण मास में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मणिमन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक यह काम करें मणिमन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। अब मैं आपको आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताता हूं कि आमदनी बढ़ाने के लिए भगवान शिव को किस तरह खुश करना है। श्रावण के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। इसके बाद नीचे लिखे जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं उसको मंत्र को 108 बार जप करें। ओम हिम श्रीम ओम नमः शिवाय श्री हिम एम। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्व पत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः एम श्री श्री लिखें। अंतिम 108वां बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है। ये जो मंत्र है ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आपको लिखने में कठिनाई नहीं हो या बोलने में कठिनाई नहीं हो। संतान प्राप्ति के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। श्रावण में किसी भी दिन सुबह उठकर जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का पूजन करें। इसके पश्चात गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिम स्रोत्र से अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। इस प्रकार 11 बार जलाभिषेक करें। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रयोग 21 दिन तक कीजिए। गर्भ की रक्षा के लिए संतान प्राप्त के लिए गौरी रुद्राक्ष भी धारण करें। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर धारण कीजिए। फिर मैं आपको बीमारी ठीक करने के उपाय बताता हूं। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय ओम जुम सं मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक सोमवार को रात में 9:15 बजे गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें। इस उपाय से बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई उपाय चाहिए या किसी या कोई नुस्खा चाहिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आयुर्वेद का हो या किसी भगवान को खुश करने का हो या कोई मंत्र हो, तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट के जरिए हम आपका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपने कोई वीडियो की फरमाइश की कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो वीडियो डाल दें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर शेयर कर देंगे तो और लोगों को भी फायदा होगा।
तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।